नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो तेज चिलचिलाती धूप से जो बीमारी डिजीज होती है, लू लगना। सबसे कॉमन बात है लू लगना। लू से जो अभी बहुत सारी बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिससे मुझे बहुत जरूर बचाव करना चाहिए हम लोगों को। तो लू से बचने के उपाय होता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले। लू लगने के कारण क्या क्या होते हैं, जो लू लगने का जो हीट स्ट्रोक होता है, जो सन स्ट्रोक उसको भी बोला जाता है, समस्याएं होती है लू लगने का कारण जो होता है, उससे बचाव विस्तार से जानकारी के लिए आप स्वयं सुरक्षित रहे हम आपको बताने वाले हैं। लू लगने के कारण तापमान का बढ़ना, पसीना का न निकलना, मतलब पसीना का नहीं आना आपको लू लगने के कारण से, पानी कम पीना। तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि अभी बिहार की जो दशा है 49-46 के आसपास चली गई थी, बारिश के कारण से कुछ कम हुई है, तो तापमान अचानक से बढ़ गया था। पसीना नहीं निकलना मतलब आप बाहर काम कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे तो पसीना नहीं निकलेगी, तो फिर आपके शरीर में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पानी का बहुत कम पीना ये आपके शरीर के लिए काफी मतलब कि हानिकारक है। आप प्रचुर मात्रा में पानी ले ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे और आपका गंभीर समस्या से बचे रहे। लू लगने के लक्षण, शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो लू लगने के थकान आना, चक्कर आना, सिर में दर्द आना, त्वचा लाल होना, अधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और मानसिक लक्षण जो होते हैं वो कमजोरी, चक्कर आना, भ्रम, बेहोशी आदि होते हैं। और गंभीर समस्या जो होती है, लू लगने से गंभीर व्यक्ति का सीजर, कंपन आता है, थरथराने अचानक से लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इस स्थिति में तुरंत आप अपने चिकित्सा से सलाह लें और कोई नजदीकी अस्पताल में संपर्क होकर आप अपने तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, गंभीरता से उसको लें। और घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं आप, उसके बारे में हम बात करते हैं। पुदीना या नींबू का रस शरबत, इसका सेवन करें, काफी ये फायदेमंद होती है। आप इसको सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं। कच्चे आम का रस का शरबत, मतलब कच्चे आम का रस का शरबत ले सकते हैं आप, इसको भी 3 बार सेवन कर सकते हैं। और छाछ पी सकते हैं, छाछ जो हाइड्रेट रख शरीर को, जो हाइड्रेट रखती है शरीर को। और ठंडी जगह पर आराम करें, कोई पेड़ पौधा जहाँ है, जहाँ ठंडी रहती है, वहाँ आप पंखे के पास रह सकते हैं। एसी है, एसी का मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, सबसे अच्छा रहता है पेड़ पौधा है, अब नेचुरल हवा है, वहाँ पे ज़्यादा आराम करें, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। चलिए अस्पताल में आपका क्या उपचार होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तापमान कम करना होगा, तो डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को ठंडी जगह पर रखते हैं और पंखे चालू करते हैं ताकि शरीर को तापमान नॉर्मल हो। तरल पदार्थ देना, मतलब कि डॉक्टर आप पेशेंट को एक आईवी ड्रिप, मतलब आईवी फ्लूड लगाते हैं जिससे बॉडी नॉर्मल होता है, हाइड्रेट होता है और शरीर की तापमान बहुत कम होती है। अन्य दवाई चलता है जिसको एंटी इंफ्लेमेशन दवाई, मतलब सीजर रोकने के लिए होता है, बायजाइमर्स होते हैं, कमजोरी होती है उसके लिए इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपकी जो शरीर में कंपन है, जो थकान हो रही है, उसको कम किया जा सके। और लू लगने से बचाव क्या क्या करने हैं, पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिए। आप डेली प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने का प्रयोग, पानी पीने का कोशिश करें। और धूप से बचने का कोशिश करें। आप अगर काम करते हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग काम शुरू कर दें, जल्द खत्म कर दें। पोषक तत्व जो है, पोषक आहार है, वो गर्मी में हल्के ताजे ताजे लेते रहे, जैसे सब्जी में ले, हरा सब्जी, फल और सब चीज। आराम करें, अधिक गर्मी में शरीर श्रम से बचना चाहिए, आराम करना चाहिए ताकि आपको आगे के लिए बोझ न पड़े। एक बार अगर आपको लू लग जाती है तो परेशानी हो सकती है, कई बीमारी, गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसके लिए अपने शरीर को देखते हुए काम करना चाहिए। आप खुश रहे और खुशहाल रहे अपने शरीर को देखते हुए सभी काम करना चाहिए। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बता ही दिए हैं, धूप से बचना है, पोषक आहार लेना है इत्यादि। लू के दौरान क्या ना करें, खाली पेट बाहर ना जाए। अभी जो मौसम है, इस मौसम में अभी खाली पेट आप बाहर ना जाए, कुछ ना कुछ हल्का खाना ले। NIIT दवाइयाँ ले, मतलब कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको लेना, पैरासीटामोल आप जो होती है ना, वो आपको काफी खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, आप खतरनाक हो सकती है, आप डॉक्टर के सलाह से ही ले, अधिक श्रम न करें।
गर्मियों में अधिक श्रम न करें, श्रम करने से अतिरिक्त बोझ पड़ता है शरीर पे, उससे भी आपके शरीर को काफी परेशानी होती है, लू लगने का चांस होता है, आपके शरीर कज्जी होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, अर्ली मॉर्निंग आप काम कर ले, जो भी काम है आपके पास उसको कर ले, ताकि आपकी शरीर अच्छी रहे। अब मैं बता दिया पहला पॉइंट था, खाली पेट बाहर ना जाए। दूसरा जो कुछ दी दवाई है उसके लिए, अब इसका सारांश निकलता है, कारण क्या क्या हो सकते हैं। बढ़ता तापमान, पसीना नहीं निकलना, पानी की कमी, और लक्षण थकान होना, चक्कर आना, सिर में दर्द, गर्म और लाल त्वचा आना, बेहोशी होना। घरेलू उपचार में बता ही दिए, पुदीना नींबू का रस, कच्ची आम का रस, छाछ, ठंडी जगह पर आराम करना। अस्पताल का उपचार, तापमान को कम करना है, तरल पदार्थ देना है, दवाइयां में एंटी इलमेटिक और बायोजेलिक देना है। बचाव के उपाय, पानी पीना है ज्यादा, धूप से बचना है, पोषक आहार, आराम करना है। ये सभी चीज, चार चीज मतलब इतने चीज का फ्लो करते हैं तो आपको लू से बच सकते हैं, आप काफी हेल्दी महसूस कर सकते हैं, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, ध्यान दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।